आज इस वीडियो में मैं आपको मोटिवेट करने वाला हूँ। वीडियो को इन तक बने रहे। अगर आपको जॉब करना है ना, तो थोड़ा रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। और ये जुनून कहते हैं ना, इंसान जब इंसान के दिल में जुनून हो जाता है कि मैं घर छोड़ के शहर जाऊँगा, जॉब करूँगा, तो कोई नहीं रोक सकता। तो ये जुनून पहले अपने दिल पर लाइए। तो मैं हूँ सोम छेत्री, आप देख रहे हैं द सिक्योरिटी नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आसाम का रहने वाला हूँ। 2006 सन पे मैं बेंगलोर आया, लेकिन उस वक्त बेंगलोर जब आया, मैं किसी के सहारे नहीं आया। मैं और मेरा दोस्त दो ही लोग अपने बलबूते पर रेलवे स्टेशन मेजेस्टिक पर उतरे। बहुत परेशानी का सामना किया उस बीच में। अगर मैं इसमें बताऊंगा तो वीडियो लंबा होगा। उसके बावजूद हमने किसी से कांटेक्ट करके कैसे कैसे किसी किसी से पूछ पूछ के किसी फील्ड ऑफिसर का नंबर लिया। फिर वहाँ फील्ड ऑफिसर को हमने कॉइन बॉक्स से कॉल करके उनको बुलाया। करने के बाद हमने जॉब स्टार्ट किया मारुतोली बेंगलोर से, जहाँ पर हमको कंस्ट्रक्शन ड्यूटी एरिया में ड्यूटी मिला, जहाँ पगार था सिर्फ 3,200 रुपया। 3200 रुपया पर मंथ पगार में मैं काम किया। आप गौर से सुनिए। और हमको रूम कहाँ पर मिला पता है? लेबर कॉलोनी में रूम दिया था, जहाँ पर ऊपर भी सीट, नीचे भी सीट। ऐसे रूम पे हमने दोस्तों और मैंने 7 महीने गुजरे। तो आप अंदाजा लगाइए वो 7 मंथ हमने कैसे तकलीफ सहे होंगे वहां पर। और ड्यूटी भी रात भी ड्यूटी करना, दिन में करना, 12 घंटा का ड्यूटी था। उसके बावजूद जैसे 7 महीने गुजर गया, बहुत उस 7 महीने में हमने जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा, इतना तकलीफ की। उसके बाद धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना इंतजार का फल मीठा होता है, हम ऐसा कहते हैं ना लोग कि इंतजार का फल बिल्कुल मीठा होता है। और डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोलता हूँ, इंतजार का फल कभी तीता नहीं होता, 100% मीठा होता है। बस क्या है, हमको धैर्य रखना है, इंतजार करना पड़ेगा। आज मैंने इंतजार किए और मैं आज 17 साल 18 साल होने वाला है बेंगलोर पे। और मैं अभी आपको बोलूँ तो 30,000 रुपीज पर मंथ कमाता हूँ। मैं कैसे, उसके लिए मैंने कितने स्ट्रगल किए, इसीलिए मैं उन मेरे भाइयों को लिए मोटिवेट के लिए वीडियो बनाया हूँ। जिन भाई मेरे गांव से ये वीडियो देख रहे हैं, जो भाई के पास 10th क्वालिफिकेशन है, जिन भाई के पास POC क्वालिफिकेशन है, आपके दिमाग में हमेशा ये बात रखिए कि आपके पास अगर वो जुनून है काम करने का, तो डेफिनेटली सिक्योरिटी नॉलेज डिपार्टमेंट में आओ। चाहे आप कोई लेबर डिपार्टमेंट में जाओ या कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट जाओ, आप वर्कर्स करो ना, आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। आप कहते हैं जब भी कोई आप जॉब पे जाते हो तो आप डायरेक्ट बड़ा पोस्ट आपको या तो सुपरवाइजर, फील्ड ऑफिसर, मैनेजर्स आपको नहीं मिलता। आपको आज मैं एक बात इसके साथ आपको बता दूं, आज जितने भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में 50,000-60,000 रुपये पगार लेते हैं ना, वो पहले नीचे इस तरह सिक्योरिटी गार्ड करते थे। सिक्योरिटी गार्ड करने के बाद 10 साल 12 साल करने के बाद एज बढ़ते गया, परफॉर्मेंस बढ़ते गए, एक्सपीरियंस होते गया, और उन्होंने वो पद हासिल की। तो आप लोगों में से भी ऐसा कुछ आप कर सकते हो, लेकिन आप गांव में रहकर मजदूरी 200 रुपये मजदूरी करने से कहीं 100 गुना बेहतर, मैं कहता हूँ आप शहर आओ। और वो शहर भी सबसे ज्यादा अगर मैं रेफर करता हूँ वो बेंगलोर सिटी। अगर आप बेंगलोर सिटी में आओ ना, बेंगलोर सिटी में क्यों बेंगलोर सिटी के बारे में रेफर करता हूँ, क्योंकि बेंगलोर में अच्छे अच्छे खासे सिक्योरिटी एजेंसीज है, बहुत सारे सिक्योरिटी जो प्राइवेट लिमिटेड एजेंसी है, जहाँ पर बहुत सारे फैसिलिटी के साथ साथ आपको यहाँ का क्लाइमेट भी आपको सूट करती है। क्लाइमेट सबसे पहले क्या है, हमको जहाँ पर आपको जॉब करते हैं, अगर क्लाइमेट अगर सबसे बेस्ट है ना, तो हम क्या होता है सेटल हो जाते हैं। और यहाँ क्या होता है, जो बेंगलोर सिटी में के एजेंसीज लोग जितना फैसिलिटी के साथ और आपको पगार आपका फैसिलिटी दिलाती है, शायद मुझे नहीं लगता कि और दूसरा स्टेट में इतना फैसिलिटी हो, क्योंकि फैसिलिटीज के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं ये वीडियो बनाऊंगा सिर्फ आप लोग को मोटिवेट करने के लिए कि आप लोग वीडियो देकर, आप लोग कहते ना दिल में जुनून है, दिल में जुनून है, क्वालिफिकेशन 10th है, गांव में मजदूरी करते हैं, नौकरी नहीं है, बेरोजगार है, क्या करे, आखिर करे तो करे, क्या करे, बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे भाई, बहुत कुछ। मैं कितना, मेरा क्वालिफिकेशन ओनली 10th, लेकिन मैं आज 30,000 रुपीज 32, अगर मैं PF का भी अगर ऐड करूँ, बोनस का भी ऐड करूँ, 33 तक हो जाता है। तो ये मैं कमा रहा हूँ कैसे, वो है मेरा लगन और मेरा एक्सपीरियंस। इसीलिए मैं कहता हूँ आप वीडियो देकर जॉब नहीं सीखते, वीडियो देकर मोटिवेट होते हैं, उसके बाद जॉब प्रैक्टिकल करके सिखाया जाता है। अगर आप बेंगलोर आओगे या हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कहीं पर भी आके आप अगर ज्वाइनिंग करके हो, कैसे भी अगर आप 6 महीने साल भर गुजार लिए ना, प्रैक्टिकली आपने किया ना, तो ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे। और एक बात, क्या जुनून हमेशा होना पड़ेगा। आपका दिल पे जुनून अगर नहीं है ना, तो कहते हैं ना इंसान अगर लंगड़ा है इंसान भी आप पहाड़ चढ़ सकता है, लेकिन मन से हरा हुआ इंसान पहाड़ नहीं चढ़ सकता है, कहते हैं ये है जुनून। तो मैं हमेशा दोस्तों के लिए करता हूँ, दोस्तों मोटिवेट हो जाओ, जॉब करने के लिए जुनून हो,
हाथ में पकड़कर आपको कोई शहर नहीं लेके आएगा, हाथ में पकड़कर आपको कोई जॉब नहीं दिलाएगा, हाथ में पकड़ते कौन, वो छोटे जब हम लोग 1.5 साल 2 साल के थे, मेरा माता पिता पकड़ा करते हाथ और चला करते, चल बेटा चल। अब वो दिन नहीं है दोस्तों, आपको खड़ा खुद होना है, आपको निकल के खुद आना है, और आप एवरी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लेके, आपको वो जुनून कहते हैं ना दिल में जुनून कि मैं शहर जाऊंगा करूंगा, वो हमेशा बनाए रखना है। कोई मदद, ये दुनिया आपको कभी मदद नहीं करती, ये बात हमेशा याद रखिए, ये दुनिया आपको कभी मदद नहीं करती। मैं ना छोड़िए ना, मैं तो वीडियो बनाता हूँ, कोई भी आपको मदद, वो मदद आप खुद अपने के लिए, मदद आप खुद करना है, अपने के लिए मेहनत आप खुद करना है, सब कुछ आपको खुद करना है, सिवाय और कोई आपको कुछ नहीं करते। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देगा। जय हिंद।